नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिले। आज बात करेंगे अमेरिका में होने वाले चुनाव की, जिसमें भारत और अमेरिका में जो भारत में पिछला चुनाव हुआ और अमेरिका के आने वाले चुनाव में कुछ समानताएं दिख रही हैं। लोकतंत्र खतरे में है, ये नारा आपको याद होगा जो भारत के चुनाव में सियासी गर्मी बढ़ा रहा था, जो कि कुछ हद तक कामयाब भी रहा। और आज भी भारत के संसद में विपक्ष की तरफ से संविधान खतरे में है, ये नारा बार बार आगे किया जाता है। पर अब भारत के बाद अमेरिका के भी चुनावी माहौल में संविधान की धुन तेज है, जहां भारत की ही तरह चुनावी भाषणों में नफरत को खत्म करना और अमेरिका को पीछे जाने से रोकना, यानी संविधान बचाने की लड़ाई जोरों पर है। और डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से ये बातें बार बार जनता को बताई जा रही हैं कि ट्रंप के आने से देश में अराजकता का दौर शुरू हो जाएगा। दरअसल कमला हैरिस ट्रंप पर हमलावर हैं और उनका कहना है कि हम एक स्वतंत्र, करुणा और कानून के शासन में रहना चाहते हैं, या अराजकता, भय और नफरत वाले देश में। यदि ट्रंप चुनाव जीत गए तो वो 2025 एजेंडे के तहत मिडिल क्लास को कमजोर कर देंगे, जिससे अमीर और भी पावरफुल हो जाएगा। कमला हैरिस की बातों में भविष्य और आजादी का भी जिक्र है। उनका कहना है कि हमें किसी भी हालत में ट्रंप को रोकना होगा। ट्रंप हमारे देश को उस दौर में वापस पहुंचाना चाहते हैं जब अमेरिका पूर्ण तौर पर स्वतंत्र नहीं था। दूसरी तरफ कमला हैरिस के आरोपों पर डोनाल्ड ट्रंप ने पलटवार करते हुए कहा है कि मैंने देश के लिए गोली खाई है। वे अपने ऊपर हुए गोलीकांड को देश से जोड़ते हुए दिख रहे हैं। ट्रंप ने कमला हैरिस को सबसे अलोकप्रिय उपराष्ट्रपति बताया है। उन्होंने कहा कि वह एक वामपंथी महिला है, देश नहीं चाहता कि कोई कट्टरपंथी वामपंथी महिला इसे नष्ट करे। वैसे अब अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव भारत के लोकसभा चुनाव में गजब की समानता देखने को मिल रही है। हमारे देश और अमेरिका में दोनों जगह संविधान बचाने की लड़ाई जोरों पर है, जिसमें यह भी एक संयोग ही है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों करीबी दोस्त हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या इन दोनों नेताओं की सोच भी एक जैसी ही है और इन दोनों का चुनाव भी एक जैसा है, क्योंकि दोनों के चुनाव में दूसरी पार्टियों की तरफ से लगभग एक जैसे मुद्दे ही उठाए जा रहे हैं, जैसे देश को नफरत से बचाना, लोकतंत्र बचाना, मिडिल क्लास का कमजोर होना, अमीरों के लिए काम करना। अब सवाल यह उठता है कि अमेरिका जैसे समृद्ध देश में क्या सच में संविधान खतरे में है? अगर ऐसा है तो अमेरिका का इस बार का चुनाव भी भारत की ही तरह निर्णायक साबित होने जा रहा है, क्योंकि कमला हैरिस की पार्टी के नारों के आगे अगर ट्रंप नवंबर 2024 में अमेरिकी चुनाव हार जाते हैं तो मतलब साफ है कि अमेरिका एक नई राजनीति की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसमें आम लोगों के बीच ये धारणा सुनिश्चित हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप लोकतंत्र विरोधी है।